नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 28 मई से लेके 4 जून तक की होगी। ये रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देखते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, हम इस रीडिंग में देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा और यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। हो सकता है आपने उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, या फिर उन्होंने नहीं दिया, या फिर आपके रिश्ते में नहीं थे तो अभी वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं। आगे आगे देखते हैं कार्ड में क्या आता है। अगर इक्वल गिव एंड टेक मतलब सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द मून का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, फिर से बैलेंस का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन मुझे लगता है थोड़ा दुखी है, थोड़ा परेशान है, वो रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा उनको बार बार परेशान करता है, बचपन में हो सकता है ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था, या फिर अभी कुछ ऐसा घट रहा है जो जिस बात को उन्होंने बचपन में भी देखा था, उनके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा कुछ हुआ था जो बात वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे झूठ बोलते हो, जैसा झूठ उन्होंने बचपन में देखा था। चाइल्डहुड ट्रॉमा उनके अंदर तो है ही है, वो उनको लगता है कि ऐसा चीज़ उन्होंने पहले भी देखा था, इसीलिए वो दुखी है, वो परेशान है, उनको लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, या फिर उनको ये लगता है कि ये जो रिश्ता है ये ज़रूरत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए या फिर मिले तो वो रिश्ते को सही से चला सकते हैं। वो रिश्ते में स्टेबिलिटी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है ये भी उनको पता है, तो अभी इस बात से वो परेशान थे, दुखी थे कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो, या फिर उनके लाइफ में कोई चीज़ दोबारा से घट रहा है जिसका अनुभव उनको पहले से था, तो इसलिए अभी वो रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक पाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और रिश्ते को जो अनस्टेबिलिटी से चला रहे थे उस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। अभी देखते हैं कैप्रिकॉन आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कैप्रिकॉन के, उनके लिए आपके क्या संदेश है, मैं वही कार्ड पढ़ के उनको बताऊंगी। देखते हैं कैप्रिकॉन आप खुद क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप तो एक सुलझा हुआ रिश्ता चाहते हो जिसमें स्टेबिलिटी हो, जिसमें समझदारी हो, सब चीज़ एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चले, इस तरह की आपकी करंट फीलिंग्स है। देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आप एक ऑर्गेनाइज्ड रिश्ते तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हो। वैसे एक किंग या क्वीन अपने राज्य को चलाता है। देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, द डेविल का कार्ड। आप करेंटली यही सोच रहे हो कि आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, आपके पर्सन जो है वो भी अपना इमोशन हाइड कर रहा है, और आप दोनों ही एडिक्टेड हो एक दूसरे के प्रति, लेकिन आप दोनों ही अपना इमोशन नहीं दिखा रहे हो। हालांकि आपको पता है आप दोनों में जो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन काम करता है, फिजिकली आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो, लेकिन आप दोनों ही अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। आप रिश्ते में अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है तो आप चुप हो, आप चाहते हो कि वो अपना इमोशन आपको दिखाए,
और आप भी अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, ताकि वो भी अपना इमोशन हाइड कर रहा है ताकि आप उनको अपना इमोशन दिखाओ। लेकिन आप लोगों की रिश्ते में कंट्रोलिंग है, कोई एक तो है जो रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। हो सकता है हर किसी की नज़र या फिर किसी की बुरी नज़र आपके रिश्ते में हो सकता है। हो सकता है किसी ने आप पर कोई मतलब कुछ बुरा कुछ नज़र डाला है, कुछ किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक टॉक्सिक कोई इंसान आपके रिश्ते में अपना नज़र डाल रहा है। कोई टॉक्सिक इंसान के कारण आपका रिश्ता जो है वो दिन ब दिन थोड़ी परेशानी में जा रहा है। देखते हैं आप खुद क्या चाहते हो, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। द हाई प्रिस्टेस वो बहुत इंट्यूटिव है या फिर आप बहुत इंट्यूटिव हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत पावरफुल हो, जो भी आपने कमाया है अपने मेहनत से कमाया है, ऐसा वो चाहते हैं या फिर खुद को इस तरह बनाना चाहते हैं। देखते हैं द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहते हैं कि अभी उन्होंने अपने नॉलेज से हर चीज़ को समझना शुरू कर दिया है। उनको लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ग्राउंडेड हो, आप चीज़ों को सही करना जानते हो। वो चाहते हैं कि आप अपनी नॉलेज से चीज़ों को सही करो, अपने इंटेलिजेंसी से रिश्ते को संभालो। वो आपके साथ परिवार चाहते हैं, मेहनत से उन्होंने जो कुछ भी कमाया है, पैसा, घर, जो एक परिवार को चलाने के लिए चाहिए वो सारे चीज़ उन्होंने कमाया है। रिश्ता अभी वो आपके साथ परिवार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। उनको पता है कि अगर वो ये सारी चीज़ आपसे दोबारा से बोलने आए तो थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि पहले आप लोगों का रिश्ता जो था वो बैलेंस रिश्ता नहीं था, लेकिन अभी वो रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। उनको पता है वो इंस्टीट्यूशन के जरिए उनको पता चल जाता है कि अभी क्या चल रहा है। अभी वो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूटिव हो गए हैं, वो ये भी जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो नॉलेज उनमें पहले नहीं था अभी वो आ गया है, इसीलिए उनको पता है लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है जब भी वो ये बात आपसे करने जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर बहुत दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं आप लोगों की रिश्ते में। तो अभी वो सारे लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके रिश्ते को एक फैमिली रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपके साथ परिवार, बच्चे, घर, परिवार, सब कुछ वो चाहते हैं, और उन्होंने मेहनत से सब कुछ कमा भी लिया है। जो इंसान अपने परिवार चलाने के लिए जो कुछ चाहिए होता है, अभी ये सब कुछ उन्होंने कमाया है। अभी देखते हैं कैप्रिकॉर्न, आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप खुद क्या चाहते हो। टेन ऑफ सोर्ट्स, आप दुखी हो, परेशान हो, आपको लगता है उन्होंने आपको धोखा दिया है, या फिर आप धोखे की जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए आप तैयार नहीं हो। हो सकता है आपने उनको धोखा दिया था या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया था, जो भी हुआ था, तो आप तो अभी दुखी हो, परेशान हो। देखते हैं आप चाहते क्या हो। एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा बातें करना, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। द चैरियट का कार्ड, दोबारा मौका देना। द हर्मिट का कार्ड, अभी आप रुके हुए हो, इतने दिन आप रुके हुए थे, आप परेशान थे, आप दुखी थे, या फिर अभी आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन अभी आपको लगने लगा है कि जब आप दुखी थे, परेशान थे, तब आपको धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि दुखी रहने से, परेशान रहने से काम नहीं चलेगा। आप दोबारा से बात करना चाहते थे, आप रिश्ते को एक मौका देना चाहते थे। हो सकता है ऐसा आप पहले चाहते थे, आप उनके साथ बात करना चाहते थे, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं दोबारा से। हर चीज़ को ऑब्जर्व करके, उसकी अच्छाई, उसकी सच्चाई, हर चीज़ को देख के आप रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते थे। इसके लिए आप बात भी करना चाहते थे, लेकिन आपने देखा कि बात करने की बजाय ही कुछ नहीं बचा, और आपको हो सकता है
दोबारा से पुरानी चीज़ पुरानी बात याद आ रहा हो, या फिर आपको कुछ और पता चला हो जिसके कारण आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, तो अभी आप जो दोबारा से मौका देना चाहते थे उस चीज़ को आपने रोक लिया है, अपने आप को रोक लिया है। आप चाह रहे हो कि अगर बात करना है तो अभी नहीं, जैसा कि पहले कार्ड आया था इमोशन को कंट्रोल करना, तो अभी आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। और ये आपके पर्सन को पता भी है क्योंकि वो इन दिनों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं, या फिर आपको पता है कि आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए बेताब है, इसीलिए आप इंट्यूटिवली सब कुछ जान जाते हो और अभी खुद को रोक के रखा है आपने। आप जिनके साथ रिश्ते में हो सकता है वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस में से कोई हो सकता है, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस होने की चांसेस है, वर्गो हो सकते हैं, या फिर एरीज एरीज लियो सजिटेरियस में से कोई होने की चांसेस है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है यहाँ। देखते हैं रिश्ते का आउटकम। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क करना पड़ेगा, रिश्ते को सही करने के लिए टीम वर्क करना पड़ेगा, अकेला कुछ नहीं होगा, पैसों के लिए मेहनत करना पड़ेगा, किसी की मदद लेके रिश्ते को सही करना पड़ेगा। जैसा आप सोच रहे थे कि आप बात करके सही करोगे, वो बात करके सही करेगा, वो चाहते हैं आप उनसे बात करो, लड़ाई झगड़े खत्म करो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप अकेले ये चीज़ सही कर पाओगे। हो ना हो किसी तीसरे पर्सन की नज़र तो आप लोगों पर है ही है। डेविल का कार्ड आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये थ्री थ्री का कार्ड तो दो बार आ गए हैं, तो किसी का नज़र तो आप लोगों पे है ही है। हो सकता है कोई आप लोगों की रिश्ते में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करते रहते हैं हमेशा। अभी देखते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। अगर हम थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें तो नाइन ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ का कार्ड, नाइन ऑफ वंस के कार्ड, क्योंकि अभी आप लोगों को टीम वर्क इसलिए करना पड़ेगा, आप लोग दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो सही रिश्ते को सही करने के लिए। इसके लिए आप लोग अपने अंदर हिम्मत भी जुटा रहे हो। ये लियो का कार्ड है, जेमिनी एरीज लियो सेजिटेरियस में से कोई हो सकता है इंसान, या जैसे मैंने कहा कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कोई भी राशि के हो सकते हैं। आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप चीज़ों को बहुत आगे बढ़ा रहे हो। जितना परेशान होने की चीज़ नहीं है, आपकी सोच उसको आगे बढ़ा रहा है, इसीलिए अभी जो होगा आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। आप दोनों को ही इंतज़ार करना पड़ेगा सही वक्त का, अपने अंदर हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और मुझे लगता है किसी की मदद से रिश्ते को सही करना पड़ेगा। आप लोगों से तो ये रिश्ता सही नहीं होगा। अगर रिश्ता बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है तो किसी की मदद से आपको रिश्ते को सही करना पड़ेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं, अगर रिश्ता सही करना है तो आपको सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो सही वक्त तभी आएगा जब आप लोग दोनों स्टेबल हो जाओगे और माइंड से पुरानी चीज़ों को ख़त्म करोगे, और किसी की मदद से ही आपका रिश्ता सही हो सकता है। पेज ऑफ वंड्स, नई शुरुआत, दोस्ती से शुरुआत करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपको लगता है अभी दोनों में रिश्ता सही नहीं हो रहा है, तो आप अपने अपने लाइफ में भी नई शुरुआत कर सकते हो, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आप नई शुरुआत करके। किंग ऑफ वंड्स, देखिए स्टेबिलिटी का कार्ड भी आ गया है, खुद को स्टेबल बनाइए, अपने लाइफ में नई शुरुआत कीजिए। हो सकता है इस बार आप जो गलती पहले किए थे इस बार नहीं होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस बार आप लोग नई शुरुआत तो करना तो चाहते हो, दोनों ही नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हो, अगर आपको ये लगता है कि अभी इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है, तो आप किसी नए इंसान के साथ नई शुरुआत करने की सोच सकते हो। हो ना हो आप दोस्ती कर सकते हो, जिसके साथ भी आप रिश्ता शुरू करोगे पहले आप उनकी स्टेबिलिटी को देखोगे और खुद की स्टेबिलिटी पर काम करोगे। काम करके आप किसी के साथ रिश्ता शुरू करने से पहले उनसे दोस्ती करो,
और देखो ये बंदा या बंदी जिसके साथ भी आप रिश्ते में जाना चाहते हो वो स्टेबल है या नहीं। ये किसी किसी के लिए होगा और किसी के लिए ऐसा है कि आप लोग जो रिश्ते में हो, अगर आप दोबारा से रिश्ते को शुरू करना चाहते हो तो दोस्ती से शुरू करो रिश्ते को, और पहले अपने स्टेबिलिटी पे काम करो और धीरे धीरे रिश्ते को शुरू करो। जैसे इंतजार करने की कार्ड आया था, तो बेबी स्टेप लेके स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ो और इस बार दोस्ती से रिश्ता शुरू करो, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता, दोनों का ही लाइफ जो है एक नई सर्कल में जा रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड का कार्ड आया है। हो सकता है कोई नए के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है, या फिर अगर पुराने रिश्ते में आप आओ तो पूरी स्टेबिलिटी के साथ आओ, थोड़ी वक्त लगे, धीरे धीरे आओ, लेकिन पूरे स्टेबिलिटी के साथ आओ और दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।